रूस वर्सेस यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का दौर भी जारी है। ब्रिटिश पीएम और यूएन सेक्रेटरी जनरल के बीच बातचीत हुई है। बोरिस जॉनसन और एंटोनियो गुटेरेस ने रूस से अपील की है कि 2014 के शांति समझौते का पालन हर हाल में होना चाहिए। ये सीधे तौर पर रशिया को बताया गया है कि 2014 के शांति समझौते का उल्लंघन हमें मंजूर नहीं है। वंदना झिंगन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वंदना जी, क्या रूस मानेगा? नमस्कार मेरे सबको, पैनलिस्ट को और समीर आपको भी गुड इवनिंग। आपने जैसे कहा, अभी जो मेरे से पहले स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने जो बात कही है कि कभी पहले आपको बोला गया था कि विंटर ओलंपिक होने के बाद में अटैक हो सकता है, फिर उसके बाद में 16 तारीख की तारीख तिथि दी गई, फिर अब बोला 20 तारीख की तिथि है जी। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, हमारे जो यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी लो हो रही है, इवन विद इन देयर ओन पार्टी, युद्ध के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। और युद्ध जो है इस वक्त कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, विश्व का कोई भी राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार नहीं, युद्ध बिकॉज अभी तक हम लोग पैंडेमिक से बाहर नहीं निकले हैं। सही बात है। तो जो बात कही जा रही है, ये जो अभी मुझे जो लगता है कि वॉर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा है। और ये जो नेटो का जो बात है, ये क्यों इस वक्त यूक्रेन को, बिकॉज वाई द वेस्टर्न कंट्रीज आर ट्राइंग टू एक्चुअली किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात हो रही है, तो ये यूक्रेन को भी समझना चाहिए इस वक्त। और पुतिन ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि वो वार ले और उसके बाद में कि दुनिया उनके साथ में एक तरफ से एक बिल्कुल उनको अलग कर दिया जाए। और रशिया को, जहां तक आपने भारत की बात कही थी कि भारत का क्या स्टैंड होगा, अमेरिका उनसे उम्मीद कर रहा है, तो भारत ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, जहां अमेरिका है वहां अमेरिका है और जहां रशिया है वहां रशिया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी जो डिसीजन लिया गया है डिप्लोमेटिक वे में बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वी सॉ दैट बिफोर ऑल्सो, आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन, क्योंकि दूसरे की लड़ाई में हमको इसमें कूदने का कोई मतलब होना नहीं ठीक चाहिए। है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस वक्त बिल्कुल और हर जिम्मेदार मुल्क की ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी सूरत हाल में जंग ना हो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो वो पूरी दुनिया पर नकारात्मक असर डालेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।